गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे बात करूंगा धमार ताल के बारे में। धमार हम बता चुके हैं, सॉरी तिलवाड़ा ताल। आज बात होगी आपसे तिलवाड़ा ताल के बारे में। इस ताल में जैसे और ताल लिखवाई है उसी तरह पहले इसकी मात्रा। इस ताल में 16 मात्रा है। दूसरा, इसमें विभाग। विभाग में क्या आता है? इसमें चार चार मात्राओं के चार विभाग होते हैं। ये चार चार मात्राओं के चार विभाग। तीसरा, इसमें आता है खाली। इस ताल में खाली कौन सी मात्रा है? इस ताल में खाली नौवीं मात्रा मान। खाली नौवीं मात्रा ताली। इस ताल में ताली कहाँ कहाँ बजाई जाती है? वो पहली, पांचवी और 13वीं मात्रा। 13वीं मात्रा पर ताली बजाई जाती है। ये है इस ताल की मुख्य मुख्य बातें जो आप यहाँ आगे लिखते हैं कि ताल जो परिचय लिखा जाता है। इसमें क्या लिखना है कि तिलवाड़ा ताल में 16 मात्राएं और इस ताल में चार चार मात्राओं के चार विभाग होते हैं। इस ताल में नौवीं मात्रा खाली होती है और इस ताल में पहली, पांचवी, 13वीं मात्रा पर क्रमशः इस पे तो हम सम का सिंबल लगाए, पहली दूसरी व तीसरी ये तालियां दिखाई जाती हैं इस ताल में वादन के दौरान। तो इस ताल में फिर इसके बाद लिखा जाता है कि यह ताल मात्राओं के हिसाब से, विभाग के हिसाब से, खाली और ताली के हिसाब से बिल्कुल तीन ताल के समान। तीन ताल के समान है, जैसी तिलवाड़ा ताल वैसी ही तीन ताल। लेकिन दोनों में क्या अंतर है कि तीन ताल के जो बोल अलग होते हैं, दूसरा तीन ताल को तीनों लय में बजाया जा सकता, जबकि तिलवाड़ा ताल को तीनों लय में नहीं बजाया जाता। तीन ताल को इसलिए इसका तीन ताल नाम है कि इसकी तीनों लय में इसको बजाया जाता है, विलंबित लय में, मध्य लय में, द्रुत लय में। जबकि तिलवाड़ा ताल के साल साथ ऐसी बात नहीं है, तिलवाड़ा ताल को तीनों लय में नहीं बजाया जाता और तिलवाड़ा ताल के बोल अलग होते हैं, इसके बोल अलग होते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि तिलवाड़ा ताल की एक गुण ही अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं, एक गुण ही अच्छे से याद हो जाती है तो उसके बाद ये लिखना बहुत आसान हो जाता है कि इस ताल मात्रा, विभाग, खाली, ताली। शायद इसमें आप कंफ्यूज भी हो जाएं तो इसके बजाय आप इसको, इस ताल के जो बोल हैं, जो एक गुण है उसको आप अच्छे से याद कर सकते हो कि एक गुण में पहले तो यहाँ पे लिखेंगे हम मात्रा। इस ताल की मात्रा लिखेंगे, मात्रा में एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14। इसके बाद ये बोर्ड छोटा पड़ रहा है, ये भी आप इसको समझ लीजिएगा। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 और ये 16। 16 मात्राएं इस तरह लिखी जाएंगी। फिर इसके नीचे हमें बोल लिखना है, धा
तिलवाड़ा ताल का पहला मूल धा, फिर दूसरी पाएगा तिरकिट, धा तिरकिट। लिखने के बाद तिरकिट के नीचे ये अर्धचंद्र का चिन्ह लगाना अति आवश्यक है, तभी ये तीनों बोल एक मात्रा के नीचे माने जाएंगे। धा त्रिकिट धिन धिन, धिन ऊपर बिंदु आना जरूरी है। धा त्रिकिट धिन धिन, ये एक विभाग हो गया पहला, जो हमने लिखे हैं चार चार मात्राओं के, एक विभाग में बोल हुए धा त्रिकिट धिन धिन। अगले बोल में यहाँ पे फिर धा आ जाएगा, धा धा, और यहाँ पे बोल बदल जाएंगे, तीन और तीन हो जाएंगे, और साथ में दूसरा विभाग पूरा, धा त्रिकिट धिन धिन, धा धा तीन तीन। तो राष्ट्र विभाग ता से शुरू होगा, इस विभाग में क्या करना, जो पहले वाला विभाग है इस विभाग में धा के स्थान पे ता कर देना है, और तीनों एस टी जाएंगे, धा धा त्रिकिट, धा त्रिकिट और धिन और धिन, धा त्रिकिट धिन धिन, ये पूरे हो गए। आखिरी भाग में क्या करना है, ये वाला विभाग उठाना है, लेकिन तीन तीन के स्थान पे धिन धिन कर देना है, और बाकी सभी मात्रा ऐसे होंगी। इसमें क्या हो जाएगा, धा धा धिन और धिन। साथ में इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए, जो यहाँ पर धिन बोला जाता है इसके ऊपर अनुस्वार लगाना अति आवश्यक है, तभी इसकी आवाज होगी, धा त्रिकिट धिन धिन, धा धा तीन तीन, ता त्रिकिट धिन धिन, धा धा धिन धिन। ये इस ताल की पूरी 16 मात्राएं हो गई और विभाग बन गए चार। आप चाहो तो इसमें अलग अलग से, जैसे ये यहाँ पे भी विभाग लिखा जा सकता है, विभाग नंबर 1, विभाग नंबर 2, विभाग नंबर 3, विभाग नंबर 4, ये चार विभाग हो, ताकि आपको आगे इस बात की परेशानी न आए कि पहले विभाग में कौन कौन से बोल हो, दूसरे विभाग में कौन से हैं, तीसरे विभाग में कौन से हैं, चौथे विभाग में कौन से बोल हैं। मिश्रा अलग अलग बोल हो जाएंगे इस ताल में। अब अगर आपको ये याद हो जाता है और ये याद नहीं है, तो आप इसको हटा करके फिर दोबारा लिख सकते हो। जैसे इसमें आप निशान लगा दीजिए, ये इसकी मात्रा हो गई, ये इसके बोल हो गए, और ये हो गया इसके चिन्ह। यहाँ पे सम का सिंबल आएगा, इसको एक्स के द्वारा, ये दूसरी मात्रा और नौवीं मात्रा यहाँ खाली होती है, और ये तेरहवीं मात्रा, ये तीसरी मात्रा। अब अगर आपको ये याद हो जाता है, इसके बोल याद हो जाते हैं, और इस तरह आप इसकी और टेबल बना सकते हैं, तो ऊपर लिख दीजिए। अब लिख सकते हो ऊपर, मात्रा इसमें 16 है, विभाग इसमें चार चार मात्राओं के कितने हो जाते हैं, चार विभाग है, ठीक है। और खाली इसमें देख लीजिए, खाली कौन सी मात्रा पे, यहाँ पे लिख दीजिए नौवीं मात्रा, इसकी खाली होती है। ताली कौन कौन सी है, पहली मात्रा पे है, पांचवी मात्रा पे है और तेरहवीं मात्रा पे है। इससे आपको आसानी हो जाएगी याद करने में, इसमें ताली कौन कौन सी, पहली मात्रा पे, पांचवी मात्रा पे और तेरहवीं मात्रा पे इस ताल में ताली बजाई जाती है। और ये रही एक गुण की बात, इतना लिखने के बाद एक गुण बनाएंगे, फिर वही जैसे और तालों में हमें दुगुन बनाई है, उसमें क्या करना है, एक के नीचे जो एक पहली मात्रा लिखेंगे, दो इस तरह पूरी 16 मात्रा लिखेंगे, और जो पहली और दूसरी के जो दोनों बोल हैं इनको इकट्ठा करके एक मात्रा के नीचे लिख देंगे। जैसे धा, धा लिखा और नीचे लिखा तिरकिट, और साथ में इसमें ये अर्धचंद्र का चिन्ह, और अब इन दोनों को एक कर देंगे। अगर आप ये यहाँ नहीं लगाते हैं, सिर्फ ये लगाते हैं, तो भी आपके ताल में आपके नंबर कट सकते हैं। तो इससे कहीं अच्छा है कि आप जो ये लिखा है इन दोनों को इकट्ठा करके एक मात्रा के नीचे कर देना है। इस तरह ये ताल लिखते चले जाएंगे, तो हमारी ताल जो 16 मात्राओं की ताल है वो आठवीं मात्रा पर ही संपूर्ण हो जाएगी। इससे जो नौवीं मात्रा शुरू होगी, इसके हम दो दो के पेयर बना के चलेंगे, तो फिर यही दोबारा नौवीं मात्रा से यही पाठ शुरू हो जाएगा, जिसको कहा जाता है दुगुण। इस तरह चाहे आप त्रिगुण बनाइए, चाहे चौगुण बनाइए, चाहे कितने भी गुणात्मक रूप से ताल को लिखते चले जाइए, वो ताल उसी तरह बढ़ती चली जाएगी, उसकी मात्रा वो नीचे उतने ही बोल आते चले जाएंगे। इस तरह धा त्रिकिट एक मात्रा के नीचे हो जाएंगे, धिन धिन दो मात्रा के नीचे हो जाएंगे, फिर धाधा तीसरी मात्रा के नीचे, तीती चौथी मात्रा के नीचे, और तात्रिकेट पांचवी मात्रा के नीचे, दिन दिन छठी मात्रा के नीचे, दादा सातवीं मात्रा के नीचे, और ये दिन दिन फिर दोबारा आठवीं मात्रा के नीचे आ जाएगा। इस तरह ये पूरी ताल दुगुण में लिखेंगे, डबल बार लिखेंगे,
तो ये दो बोल जो एक और दूसरी के नीचे जो दो बोल है, इन दोनों बोलों को उठा करके एक के नीचे रख दिया जाएगा, जिससे ये दुगुन बन जाएगी। दुगुन बनाना बहुत आसान है, जबकि अगर आपको एक दिन अच्छे से याद है तो आज ये तिलवाड़ा ताल। तिलवाड़ा ताल में क्या विशेष बातें हैं? इस ताल में नंबर एक 16 मात्राएं होती हैं, दूसरा इसमें चार चार मात्रा और चार भाग, खाली नौवीं मात्रा भी होता है, और ताल इसमें पहली और तेरहवीं मात्रा पे बजाई जाती है, जिसको एक दो और तीन ये एक माना जाता है, समझा जाता, लिखा नहीं जाता इसको, ये सम का चिन्ह लगाते हैं, एक दो और तीन, और ताली इसमें पहली पांचवी तेरी मात्रा पे। इसके बाद इस ताल का ये बताना है कि तिलवाड़ा ताल तीन ताल के समान है, लेकिन ये ताल मध्य लय और द्रुत, मध्य लय और विलंबित लय में ही बजाई जाती है, तीन ताल तीनों लय में बजाई जाती है ये तिलवाड़ा ताल। इस तरह आप इस वीडियो के द्वारा भी आप इस ताल को अच्छे से समझ भी सकते हो, और आपके पास जो मैं नोटबुक साथ में फेयर बनवा रहा हूँ वो प्रत्येक बच्चा लिखता भी रहे और उसको याद भी करता रहे।